आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत तकलीफों से गुजर रहे होंगे। कभी कभी ख्याल आता होगा, पता नहीं क्या हो गया जिंदगी में किसी, कभी 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 ख्याल आता होगा क्या हो गया जिंदगी में, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है, नौकरी भी नहीं है और कहीं मिल भी नहीं रही है, घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं है, और आप हर समय टेंशन में, घर में लड़ाई झगड़ा आपके होने लगता है। फिर आप क्या करते हो कि आप अपने मोबाइल पे के वीडियो देखते हो, या किसी के कहने से आप कुछ मौलवी या मुल्ला या फिर बाबाओं के पास जाते हो जो काफी सारे लोग वहां उनके पास बैठे रहते हैं और वो आपको बताते हैं। आप उनके पास गए या फिर उन्होंने आपके बारे में बताया कि आप अपने ग्रस्त जीवन में से परेशान हो, ये परेशानी आपके साथ चल रही है, क्या लगता है वो आपकी परेशानियां ठीक कर देंगे? नहीं, मेरा कहना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी परेशानियों से आपको ही लड़ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं। मैं एक समय में बहुत ज्यादा परेशान था, आज से 6 महीने पहले। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मैं काफी इंटरव्यू दे रहा था, काफी दे चुका, मेरे पास मेरी मेंटलिटी, मेरी पॉकेट, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था धीरे धीरे। फिर मेरा एक फ्रेंड था, बोला चलो हम लोग मथुरा चलते हैं, एक बूढ़ी माँ है उसके पास चलते हैं और बात करते हैं। मैं बोला ठीक है चलिए चलते हैं। मैं उसके साथ मथुरा गया और बूढ़ी माँ से बात किया, तो बूढ़ी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझसे सिर्फ मात्र 10 रुपये लिए। उन्होंने सिर्फ मेरे मुझे एक उपाय बताया कि बेटा तुम सिर्फ एक काम करो कि तुमने आजकल धर्म पुण्य करना बंद कर दिया है। बोला माताजी जी मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला कि आप डेली चींटियों को आटा खिलाएं, सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले आप आटा खिलाएं, या मछलियों को दाना डालें। बोला ठीक है माताजी। तो ये मैं जब काम करने लगा तो हकीकत में मेरे जो दिन थे वापस लौट के आए, मात्र 15 दिन के अंदर। क्योंकि अगर वही माताजी चाहती तो मुझसे 1500 रुपये ले सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया कि ऐसा कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी खड़े खड़े जॉब या वो चीजें सही कर सके, कोई भी मौलवी मुल्ला ऐसा पैदा नहीं होगा कि आपकी परेशानियों को दूर कर सके। आपकी परेशानियों को आपको ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन ग्रस्त की परेशानी है। आप बताता हूं, जो लोग आपका फ्यूचर बताते हैं, आपका भूतकाल बताते हैं, वो कैसे बताते हैं? वो लोग सिद्धियां प्राप्त करके रखते हैं, वो प्रेजेंट में भूतकाल में जो जी रहे हैं अभी इसको बता सकते हैं, आपका घर ऐसा है, आपके साथ परेशानी ये चल रही है, आपके साथ हो चुका ही है, आने वाला कल नहीं बता सकते वो आपका कि आने वाला कल कैसा आपका है, पूछिए नहीं बता पाएंगे वो। अब जिनके भी भक्त हो वो आपको आने वाला कल कभी नहीं बता पाएंगे, ऊपर वाले भगवान थोड़े जो आपका आने वाला कल बताएंगे। इस चीज को समझिए आप, सही साधु संत होगा वो सिर्फ आपको एक ही बात बोलेगा कि सिर्फ आप नाम जप कीजिए, प्रभु में आस्था रखिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें ऐसी जगह लेके जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमें सब कुछ करने के लिए सोचने मजबूर करते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे जीवन में हमारे साथ वैसा ही घटित होगा, ये सत्य है। और अच्छा साधु आपको एक सही रास्ता दिखाएगा, सही निर्णय लेने के लिए बात बोलेगा, और आपको आपका अच्छा साधु कभी गलत कार्य के लिए नहीं बोलेगा, आपसे एक रुपया नहीं मांगेगा। आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पांडाल में 200 300 400 हजार 500 लोग रहते हैं,
और हरियाणा के अंदर तो एक नई नई अलग ही कहानी चल रही है, तो उनका तो भगवान ही अलग हो गया। क्योंकि जो भी साधु पांडा लगा के बैठे हैं, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी या कोई भी साधु को या किसी ब्रह्म राक्षस को या भूत प्रेत को सिद्ध करके रखा है, वो आपकी सारी व्यथा बता सकते हैं पर आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकते। आपकी परेशानी उन्होंने बताई, आप सोचते हैं अरे वाह, इस जानकार इसने मेरी सारी परेशानी बता दी। वो चीज तो आपको पता ही है ना, उसने नया क्या बताया आपके बारे में? वो सोचिए कि आने वाला कल बताया इसने आपके बारे में? नहीं बताया। तो भाई मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, मेरा बोलने का भी मतलब यही है कि आप जिस समय लड़ रहे हो अपने आप से, और लड़िए, ऊपर वाले में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, आपके नाभ जरूर पाल लगाएगा। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है। हाँ, सिर्फ जीवन में कर्म अच्छे करिए आप, तो सब कुछ अच्छा जीवन में होगा। सच्चे रास्ते पर चलिए, सच्चा ही काम आपके साथ हुआ। अगर आप चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, लड़ाई झगड़े वाला काम करेंगे, तो वो सब चीजें भी आपके साथ होना जरूरी है। मेहनत से कमाया हुआ धन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। पाखंड से कमाया हुआ धन, गलत कार्य से किया हुआ धन, गलत चीजों से कमाया हुआ धन हमेशा ही व्यर्थ जाता है। आप बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, या आपके घर में कुछ नुकसान होगा, या आपके व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। क्योंकि गलत कार्य से कमाया हुआ धन हमेशा व्यर्थ ही जाता है। आप सुबह शाम जब भी आपसे को टाइम मिलता है, आप कुत्तों को खाना खिलाएं, मछली को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, और देखें मात्र 15 दिन में आपका फ्यूचर, आपका जो लाइफ है, आपका घर की सुख शांति सही हो जाएगी। क्योंकि उससे बड़ा देने वाला कोई दुनिया में नहीं है। लेता भी वही है और देता भी वही है। मेरा ब्लॉग जो है आज कुछ नॉर्मल है, तो मैं बना रहा हूं कि आपको कुछ समझाने के लिए। हमेशा मेरे चैनल्स में हॉन्टेड वीडियोस ही प्लेज होती हैं, पर मैं जब देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे दुख होता है सोच के कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते पे। हाँ, उनके पास जाइए, पर सही चीजें सीखिए, ना कि कुछ गलत चीजें सीखिए। आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री जो है, बागेश्वर धाम वाले, वो लोगों को सही रास्ता भी दिखाते हैं। कभी भी वो उनकी मैं वीडियो में देखता हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ, उनकी कभी भी गलत रास्ते के वीडियो कभी नहीं आते। बाकी काफी लोग ऐसे हैं, एक काला सा मोटा सा सांड बैठा रहता है वीडियो पे, और वो बोलता है कि क्या पता नहीं, वो तो उसने तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट ही फेल कर रखे हैं उसने। अपने जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करने से ही सब कुछ मिलता है। आप जो करोगे आपको वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो करोगे वही मिलेगा, जैसा बीज बोगे वैसा ही खाना आपको मिलेगा। तो कैसे आप अपेक्षा कर सकते हो कि आपको अच्छी चीजें मिले? आपने बुरा कार्य किया तो आपको बुरा फल मिलेगा, अच्छा कार्य किया तो आपको अच्छा कार्य समय मिलेगा। सोचना आपको है आपके जीवन में कि आपको काम अच्छा करना है या सही कार्य करना है। आप अपने घर में बैठकर नित्य दिन पूजा पाठ करेंगे, जिसको भी आप मानते हैं अपना इष्ट देव, शिव जी को, राम जी को, कृष्ण को, राधा को, माँ दुर्गा को, काली को, भैरवनाथ, जिसको भी मानते हैं आप, उस पर आप आस्था रखिए। आप कुछ नहीं होगा आपके जीवन, छोड़ दीजिए उसके ऊपर, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उसके लिए कि आप ही मेरे पालनहार हो, आपके बगैर मेरे नैया नहीं पार होगी, बस आप अपने कार्य करते जाइए जो कर रहे हैं। देखिए आपकी कैसे दुनिया नहीं सही चलती है। हमारा जीवन एक रूपांतर जीवन है, इसको जीना और मरना आपको है और आपके हाथ में, आपको किस तरह जीना है इसको, किस तरह मरना है।
दुख सुख हर किसी के जीवन में आता है, दुख सुख से घबरा कर कभी गलत कार्य नहीं करना है अपने जीवन में, जिससे कि आपको आपके परिवार को हानि हो, दुख हो और फिर आप कहीं जेल में जाकर अपनी जिंदगी काट रहे हो, या आपको मरने पे आपको मजबूर हो जाए, आप मरने पे वो कार्य आपको अपने जीवन में नहीं करना है। कि जीवन इतना अनमोल है, इसको इस तरह तो गुजारना नहीं है आपको। मैं फिर आपसे समझाता हूं कि पाखंड से बचिए, अपने इष्ट पे याद भरोसा रखिए जिनसे आप मानते हैं, नित्य दिन जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, और नए विचार लाइए अपने मन में, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छी संगत का सहारा लीजिए, इससे आपका माइंड और भी अच्छे से काम करेगा। मेरा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे चैनल को। जय महाकाल की।